यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के जितने छात्र छात्राएं हैं उन्होंने परीक्षा अपनी सन 2022 में अच्छे से दे रखी है, बट अब उन्हें इंतजार है अपने रिजल्ट के आने का। बहुत सारे छात्र छात्राएं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और यूट्यूब पर वो सब सर्च करते हैं कि मेरा 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उनके सामने कुछ इस तरीके की वीडियो आ जाते हैं जिनमें फेंक बताया जाता है कि आपका रिजल्ट 9 जून को आ जाएगा या 5 जून को आ जाएगा या 10 जून को आ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैनल पर आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो इस तारीख में पता चल जाएगा, इसी वीडियो पता चल जाएगा और क्या डेट होगी, क्या टाइम होगा, इसी आज के इसी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई रिजल्ट से संबंधित वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले जो भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं न्यूज से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी दूं, सीधी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपका रिजल्ट किस तरीके से आएगा और आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा 15 तारीख तक, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत से लोग ऐसे ही फेक वीडियो बनाते हैं। तो मैं क्लियर यहाँ पर दिखाता हूँ, बिल्कुल न्यूज़ लाइव में आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड पर 2022 का परिणाम 15 जून तक जारी होगा, मतलब कि 15 जून तक आप लोगों का है जो रिजल्ट आ जाएगा, किसी तरीके से भी आए आपका 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। योगी सरकार ने कहा है कि जो कापियाँ चेक हो रही थी वो कापियाँ पूरी चेक हो चुकी हैं सब, और सब काम क्लियर हो चुका है, बस आपके रिजल्ट के आने का इंतजार है। आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा, मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर समझाया है। आपका रिजल्ट है वो 15 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। अब आज की इस वीडियो में और आपको हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। पिछली बार कोरोना काल के चलते हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे ही प्रमोट कर दिए गए जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई, और जो अच्छे छात्र थे पढ़ने में ठीक ठाक थे उनके भी उस हिसाब से नंबर कम आए, वो ऐसे ही प्रमोट कर दिए गए, उनके परसेंटेज कम आए, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि मुझे मेरी अच्छी मेहनत थी, मैं अच्छी परीक्षा मतलब अच्छी मैं परीक्षा देता और मेरे नंबर अच्छे आते तो उनके नंबर अच्छे नहीं आए इसके कारण। लेकिन इस बार 2022 में ऐसा नहीं है, आप लोगों की परीक्षा के अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे।